हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स आंसर की का वेट कर रहे हैं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो प्रोविजनल आंसर की है वो आपकी कब और किस टाइम तक जारी हो जाएगी, किस टाइम आप देखेंगे तो आपको अपनी आंसर की मिल जाएगी, और रिजल्ट जो है वो आपका कब अनाउंस होगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बोनस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो गाइस, आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, रिजल्ट कट ऑफ और काउंसलिंग, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। अब देखिए गाइज, मैं बात करूँ प्रोविजनल आंसर की, तो जो आंसर की आने वाली है दो डेट दी गई है, एक 14 अगस्त है, एक 18 अगस्त है। तो अगर आप न्यूज़पेपर उठाकर देखेंगे तो न्यूज़पेपर के अंदर यही बोला गया है 14 अगस्त, मतलब आज के दिन शाम तक आपकी आंसर की जो है वो जारी हो जाएगी, और 18 अगस्त को आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। और गाइज, अगर मैं बात करूँ, NTA का एक सीनियर ऑफिसर है जिन्हें ट्वीट किया था, उससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, का ट्वीट भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है। उनने ट्वीट करके बोला है कि जो आंसर की और OMR सीट है वो 18 अगस्त को जारी होगी, ठीक है, उनने डायरेक्टली ये बात बोली है। तो आज 14 अगस्त है, देखते हैं आज क्या होता है। वैसे मतलब मेरा जो अंदाज़ा है, आज आपकी आंसर की नहीं आने वाली, और जो न्यूज़पेपर के अंदर है, मैं आपको न्यूज़पेपर का भी दिखाऊंगी, तो न्यूज़पेपर के अंदर जो है कि 14 अगस्त को आंसर की जारी होगी और 18 अगस्त को रिज़ल्ट, तो गाइस ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है, उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आंसर की जारी होने के बाद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है कि आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का टाइम ना दिया जाए। आंसर की जारी होगी, उसके बाद ऑब्जेक्शन रेज करने का टाइम दिया जाएगा, और फिर फाइनल आंसर की आएगी, और उसके बाद रिजल्ट आएगा। अगर ऐसे ही बिना ऑब्जेक्शन रेज किए प्रोविजनल आंसर की जारी की और फिर रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, कोर्ट में केस चलते रहेंगे, और जो है ये सेशन तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा अगर कोर्ट में केस चला गया तो, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो अभी मैं एक बार न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देती हूँ आपको। तो गैस, ये मैंने डायरेक्टली न्यूज़पेपर ही ओपन कर दिया है, आप देख सकते हैं नीट यूजी 2022 लाइव अपडेट्स, नीट आंसर की एक्सपेक्टेड टुडे, मतलब आज 14 अगस्त है, तो बोला जा रहा है कि आंसर की एक्सपेक्ट किया जा रहा है आज, और रिजल्ट 18 अगस्त को जो कि neet.nta.nic.in पर मिलेगा। लेकिन गैस पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो यहाँ पर और क्या दिया गया है आप देख सकते हैं, NTA इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट 2022 आंसर की सून एज पर द लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स, नीट 2022 आंसर की बाय NTA विल बी रिलीज टुडे 14th अगस्त एंड नीट रिजल्ट विल बी आउट ऑन 18 अगस्त। ऑफिशियल आंसर की वुड बी रिलीज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in अलोंग विद द आंसर की विल ऑल्सो रिलीज द नीट OMR सीट ऑफ द कैंडिडेट हु अपियर्ड इन नीट यूजी 2022 एग्जाम। कैंडिडेट्स विल बी एबल टू कैलकुलेट देयर नीट स्कोर बिफोर द नीट 2022 रिजल्ट आर अनाउंस्ड ऑफिशियली, ठीक है गाइस। तो मैं आपको बता दूं, ये न्यूज आपकी चल रही है कि आज आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, सॉरी आंसर की जो है वो अनाउंस हो जाएगी, लेकिन गाइस आज आपकी आंसर की नहीं आने वाली है, 18 अगस्त को आने वाली है, देख लेते हैं। अगर आपके आंसर की आती है तो आपको इस चैनल के थ्रू सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर भी अगर गाइस आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।